अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स क्लास टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट इट इज़ पेज नंबर 16। एज वी स्टडी बिफोर द सब्ट्रैक्शन, टुडे इन दिस क्वेश्चन दीज आर द कैरी क्वेश्चन। मतलब अगर ऊपर वाली रकम छोटी हो, ऊपर वाली रकम छोटी हो, नीचे वाली रकम बड़ी हो, तो साथ वाली रकम से कैरी करते हैं 10। ठीक है, अगर ऊपर वाली रकम छोटी हो, जिस तरह 3 माइनस 6, 3 में से 6 नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें 4 से हेल्प लेनी पड़ेगी। 4 से हमें 1 डिजिट लेना पड़ेगा कि वो हमें, जब ये 4 हमारी हेल्प कर रहा है तो ये 3 का ऊपर 10 आ जाएगा और 4 कट के 3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी रकम अगर ऊपर छोटी हो, नीचे बड़ी हो, तो वो माइनस नहीं हो सकती। इसके लिए हमें ऊपर वाली रकम को बड़ा करना पड़ता है। रकम को बड़ा करने के लिए हमें साथ वाली रकम से हेल्प लेनी पड़ती है, उसे 10 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले 43 माइनस 26। अब यहाँ पे 4 से हमने 10 नंबर लिए, ये कट के 3 रह गया और ये 10 ऊपर आ गया, तो 10 और 3 क्या बन जाता है? 13। 10 एंड 3 क्या बन जाता है? 13। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 13 बन गया और ये 3 बन गया। अब 13 में से उन्होंने 6 निकाले हैं तो वो 7 बच गया, 3 में से 2 निकाले तो 1 बच गया। ठीक है, ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी, स्टार्ट द क्वेश्चन। हेयर इज 65 माइनस 47। 5 में से हमने 7 निकालना है, 5 इज़ लेस देन 7, 5 इज़ लेस देन 7, सो वी हैव टू मेक इट अ बिग बिग डिजिट देन 7। वी हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम 6, वी विल गेट 10, 10 will become, it will become 15, 15 में से 7 माइनस कर रहे हैं, 15 में से 7 माइनस करेंगे, 7 के बाद काउंट करें 15 तक, जितनी रकम बनेगी वो यहाँ पे हमने लिखनी है 7 के बाद, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये बच गए 8। आप इसको लाइंस ड्रा करके भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 में से हमने 7 निकालने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कितने कट गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बच गए। ठीक है, तो ये 6 कट के 5 रह जाएगा, 5 में से 4 निकाला तो 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह 72 माइनस 25, 2 इज़ लेस देन 5, वी हैव टू मेक इट अ बिग अमाउंट, फॉर मेकिंग इट बिग वी हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम 7, 7 will give us 10 more numbers, it will become 12 and this will become 6, 12 में से 5 निकालेंगे तो क्या नंबर आता है? 5 के बाद काउंट करें टिल 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बनता है 7। ठीक है, क्या बनता है? देन 7, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 2 निकालें, 2 के बाद काउंट करें 6 तक, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 4 बन गया। यू हैव टू, यू हैव टू राइट हेयर 4। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 151 माइनस 28। 1 में से 8 नहीं निकाल सकते ये, क्योंकि ये छोटी रकम है और ये बड़ी है, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हमें इधर से हेल्प लेनी पड़ेगी, ये हमें 10 नंबर दे रहे हैं तो 10 इधर आएंगे तो ये 11 बन जाएगा और ये कट के
फोर रह जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 8 निकाल लें, 8 के बाद टर्म काउंट करें, जब 11 आ जाए तो जितने नंबर बनेंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, थ्री डिजिट मतलब 3। इसी तरह ये 4, 2, 4 में से 2 निकालें, 2 के बाद गिने 4 तक, 2 के बाद 3 और 4, 2। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 माइनस 19, हेयर 3 इज लेस देन 9, राइट, वी हैव टू मेक इट बिग। फॉर मेकिंग इट अ बिग डिजिट वी गेट हेल्प फ्रॉम 3, इट विल बिकम 13 एंड दिस विल बिकम 2। ठीक है, अब काउंट करें 9 से ऑनवर्ड, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 4 बचा, 4 आया, 2 में से 1 निकाला तो 1। ठीक है, ये है माइनस के कैरी क्वेश्चन। इसी तरह आपने ई एफ जी एच आई जे के और एल वाला क्वेश्चन करने हैं, सेम यही पैटर्न है। छोटी रकम के लिए 7 वाली रकम से हेल्प लेनी है आपने। ठीक है, इसी तरह ये 14 का 4 का 14 बन जाएगा और इधर 3 रह जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से हेल्प लेंगे तो ये 13 बन जाएगा और ये 7 रह जाएगा।